गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 यानी कि सुभाषित वैभव के बारे में। दोस्तों, संस्कृत में ऐसा बताया गया है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि, कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन निर्वाह चलाने के लिए जल और अन्न आवश्यक है। ऐसे ही यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सुभाषित यानी कि जो सद बोध वचन होते हैं उसकी भी आवश्यकता होती ही है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही सुभाषित के बारे में। इन संस्कृत लिटरेचर द लार्जेस्ट पोएट्री वर्क इन नाम एज एपिक एंड स्मॉल। तो ऐसा कहा गया कि ये जो संस्कृत लिटरेचर है इसमें जो लॉन्गेस्ट जो काव्य होता है कि लॉन्गेस्ट उसे हम महाकाव्य कहते हैं, कि इन संस्कृत लिटरेचर द लॉन्गेस्ट पोएट्री वर्क एज नाउन एज महाकाव्य, कि जो बड़ा काव्य होता है तो उसे हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट पोएट्री वर्क इज नाउन एज मुक्त काव्य, वैसे ही जो छोटा वाला काव्य होता है तो उसे हम मुक्तक कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि बड़ा काव्य है, जैसे कि संस्कृत साहित्य में मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो 5 महाकाव्य है, जिसमें महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, इसके बाद भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का निषधेय चरितम। ये 5 संस्कृत साहित्य के महाकाव्य है दोस्तों। और रामायण और महाभारत ये हमारे महाकाव्य हम मानते हैं, मगर महाकाव्य नहीं है। रामायण और महाभारत जो है वो हमारे एपिक काव्य है, ऐतिहासिक काव्य है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। जस्ट एज अ सिंगल पर्ल इज इनवेल्युएबल, कि जैसा कहते हैं कि जैसे ही एक छोटा वाला जो मोती होता है मुक्त वह बहुत मूल्यवान होता है, वैसे ही सो टू आर दिस स्मॉल मुक्तकाज, दिस मुक्तकाज आर सेइंग आर एपिग्राम्स। तो वैसे ही ये जो है वह बहुमूल्यवान होता है, ऐसे ही मुक्तक को हम सुभाषित कहते हैं। दिस वेल नाउन एज नाउन एंड मेलोडीज फ्रॉम ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो ऐसे जो मुक्तक होते ये संस्कृत साहित्य का हमें परिचय कराने के लिए, संस्कृत में जो सुललित एक काव्य प्रकार है इसका परिचय कराने के लिए आवश्यक होते हैं। हैज़ द डिस्टिंक्टिव एबिलिटी टू द सेव इन इट्स फॉर लाइन्स द प्रेशियस टीचिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ द मोस्ट एस्थेटिक मैनर, कि ये जो 4 लाइन यानी कि 4 चरण में जो सुभाषित दी हुई होती है ये हमारे जीवन का एक कलात्मक एक बहुमूल्यवान भाथा, जिसे हम कहें कि एक बहुत मूल्यवान उपदेश देने की उसकी एक खासियत रहती है। फॉर फ्रॉम दिस एपिग्राम्स वी गेट मोरल ऑफ आइडल लाइफ एंड गुडनेस, कि ये जो है हमारे जीवन में एक अच्छा सा आदर्श और अच्छा सा जिसे हम कहें कि बोध एक ज्ञान वह हमें इसके माध्यम से प्राप्त होता है। सच एपिग्राम्स हैव बीन कलेक्टेड इन दिस लेसन, तो ऐसे ही जो बहुमूल्यवान मुक्तक यानी कि सुभाषित है इसको इस सुभाषित में संग्रहित करके ये जो चैप्टर है हमारा ये तैयार किया गया है। अगर कहा गया कि इन द एपिग्राम्स चूसन फ्रॉम दिस लेसन यू विल नॉट वर्ड्स विथ वन टाइप ऑफ कैश एंडिंग्स, तो दोस्तों यह जो सुभाषित है इसमें आप देखें कि वन टाइप ऑफ कैश एंडिंग्स यानी कि एक प्रकार की विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया गया है। यह जो दोस्तों विभक्ति हम देखेंगे तो सभी जो श्लोक्स हैं तो उसमें सब श्लोक्स में एक जैसी एक समान विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दिस कैश एंडिंग विल बी हेल्प यू लर्न द संस्कृत लैंग्वेजेस, तो ऐसे जो विभक्ति का एक समान प्रयोग किया जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो संस्कृत का खास करके जो ग्रामर है वह सीखने में आपको बहुत ही ये उपयोगी होता है। ऑन द अदर हैंड दिस एपिग्राम्स विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ इंस्पीरियंस
टू डेवलप द वैल्यूज इन देम। और दूसरी इसकी खासियत है कि इसमें जो बोध दिया गया होता है, खास करके इसमें जो बात बताई गई कि पाठक यानी कि लर्नर के जो गुण होते हैं, लर्नर की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा द इमोलिटी ऑफ फेम इन दिस मेटल वर्ल्ड ग्रिड एज द बेसिक केस ऑफ ऑल सीन्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स एंड वन स्किन द कैरेक्टर्स ऑफ गुड एंड बैड पीपल दिस विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ ब्राइट एंड वर्चुअस। तो साथ में इसमें ये जो चलायमान जगत है इसकी चिरंजीविता, सर्व पापों का जो मूल कारण है इसे ग्रीड यानी कि लोभ के बारे में, और कहते कि हमारा स्वजन हमारा सच्चा मित्र कौन है उसकी परख, साथ साथ में जो विकेड पीपल है बैड पीपल जो जिसे हम दुर्जन कहते हैं, तो दुर्जन की कौन कौन सी लाक्षणिकता है, ये सारी बातें हम इस सुभाषित के माध्यम से पढ़ सकते हैं जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसी ही सुभाषित के बारे में। पहले सुभाषित इस प्रकार है, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति ही पदछेद तुसु स्वर धैर्य लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। यानी कि मधुरता पहला जो है वह है मधुरता, मधुरता यानी कि स्वीटनेस। दूसरा है अक्षरम व्यक्ति ही कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, अक्षरों की जो अभिव्यक्ति होती है उसे जो से हम ऐसे इस तरह से बोले कि सामने वाला स्पष्ट रूप से उसे सुन सके और आसानी से समझ भी सके, उसे कहते हैं कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर। इसके बाद है पदछेद, पदछेद का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, कि उसका जो पद है जो एक साथ संयुक्त शब्द है संधियुक्त शब्द है यदि कोई, तो हमें उसके पद को विभाजित करके उसके एक समान हिस्से करके उसका प्रोनाउंसिएशन है वो करना चाहिए, ये आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स। इसके बाद बताया गया कि सुस्वर कि ब्यूटीफुल वॉइस, जब हम किसी के सामने कोई बात रजू करते हैं पेश करते हैं तो हमारा जो वॉइस है वो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे ऐसा ब्यूटीफुल होना चाहिए, तो ये भी एक लर्नर की क्वालिटी है ब्यूटीफुल वॉइस। धैर्य तो कहते हैं कि करेज एंड सेंस ऑफ रिदमिक, सेंस ऑफ रिदम, धैर्य और रिदम, रिदम को कहते हैं लय, लय समर्थता, जिसे हम कहते हैं आरोह अवरोह, कौन सा स्वर हमें ऊपर बोलना है कौन सा नीचे बोलना है, कौन सा स्वर हमें तेजी से बोलना है कौन सा स्लो बोलना है, तो ये जो है वो एक आरोह अवरोह है। तो ये सारी क्वालिटी है वह एक अच्छे लर्नर की क्वालिटी मानी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो प्रथम श्लोक है इसमें लर्नर की क्वालिटी के बारे में बात बताई गई है। इसका हम ग्रामर पहले देखते हैं, सॉरी पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं इसके बाद ग्रामर की बात करेंगे। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपके सामने मैंने रखा है कि स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिथमिक, दिस आर द सिक्स क्वालिटीज ऑफ अ गुड रीडर। गुड रीडर जो होता है, गुड लर्नर जो होता है, उसके अंदर ये छह प्रकार की क्वालिटी होना आवश्यक है दोस्तों। तो अब इसके ग्रामर की बात, ग्रामर में हम बात करें तो पहले माधुर्य अक्षर व्यक्ति ही है, तो यहाँ हमें संधि विग्रह पूछा जाए तो माधुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति ही, क्योंकि माधुर्य म है वो देखिए पूर्ण म है और पूर्ण म के अंदर अ को समाविष्ट किया गया है, तो माधुर्यम माधुर्य म तो उसके अंदर अ स्वर छुपा हुआ है उसे हमें अलग करना है। दूसरी संधि है पदछेदस्तु, तो पदछेद प्लस तु, पद छेद इसके बाद विसर्ग और इसके बाद प्लस करके तू, तो ये विसर्ग संधि का नियम आपको याद रखना है। तो
साथ में इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर है ये हमें पूछा जाए कि पाठकस्य कति गुणाः, पाठकस्य षड् गुणाः, ये अच्छे जो लर्नर होते हैं उसके कितने गुण होते हैं, कौन कौन से। तो उसके कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ 6 गुण माने गए हैं जिसको आप जानते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे श्लोक की। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने, चला चलम इदम सर्वम कीर्ति ही रेवा सजीवती। कहते कि यहाँ दोस्तों चलम वित्तम, वित्त वित्त का मतलब होता है दोस्तों धन, वेल्थ, ये पैसा, कि पैसा जब हमारे पास आता है तो कुछ समय के लिए ही आता है, इसके बाद वह चला जाता है। वैसे ही चलम चित्तम, हमारा मन यानी कि चित्त जब किसी कार्य में लगता है तो वह ज़्यादा देर तक उसमें टिकता नहीं, कुछ समय के लिए ही वो यहाँ होता है तो कुछ समय के लिए कहीं और होता है। और इसीलिए कबीर जी ने भी मन के लिए कहा है कि मन जो हमारा है वो पौना मेघी उतावला है, पवन से भी ज़्यादा चंचल और उससे भी ज़्यादा स्पीडी है। तो हमारा मन है वो अभी कैसा है कि ये भी चंचल है। चले जीवित यौवने, जीवन जो हमारा है ये जीवन और युवानी ये दोनों ही चंचल है। आज हमारा जन्म है तो कल हमारा मृत्यु भी निश्चित है, आज जो युवान है वह कल वृद्ध होगा ही होगा। तो ये सारी बातें जो है वह चंचल है यानी कि आती है जाती है, ऐसा हमारे जीवन में चलता ही रहता है। चला चलन इदम सर्वम, आगे दूसरी लाइन में कहा गया कि इदम सर्वम, ये जो सारी चीज़ है वो आती है जाती है चला चल होती रहती है। कीर्ति ही रेव सजीवती, मगर हमारी जो कीर्ति होती है, हमारी जो फैम होती है, हमारी जो रेप्यूटेशन होती है दोस्तों, यही हमेशा के लिए जीवित होती है। कीर्ति, रेप्यूटेशन, फैम, इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि आज भी हम कोई चैरिटी की बात करते हैं, कोई दान की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में महाभारत के उस कर्ण का चित्र स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो कर्ण जो है उसकी फेम, उसकी रेपुटेशन, उसने जो चैरिटी की उसके कारण बनी, मगर आज भले ही कर्ण हमारे सामने जीवित नहीं है मगर उसकी रेपुटेशन जो है, उसकी जो फैम है वह आज भी लोगों में जीवित है। ऐसे ही आप देखिए सत्य, तो सत्य के लिए आज भी हम राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं, तो उसका जो सत्यवानपन था उसके कारण लोग आज भी उसे याद करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कीर्ति ही रेव ही जीवती, जिसके पास फैम है, जिसके पास रेप्यूटेशन है, वही इंसान जीवित है। भले ही वह मर चुका है मगर मरा हुआ हो के भी वह हमारे बीच में जीवित है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। द वेल्थ इज ट्रांजिस्टरी, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टडी, ऑल दिस इज कंसिस्ट ऑफ द स्टेबल एंड द अनस्टेबल, ओनली फेम और रेपुटेशन लिव्स फॉर एवर। कि ओनली हमारी जो फेम है, हमारी रेप्यूटेशन है, यही दोस्तों अंत में हमारे साथ बनी रहती है। तो इसके ग्रामर की बात करें तो इसका ग्रामर जो है दोस्तों इस प्रकार है, जो चलम चित्तम चलम मित्तम, ये जो इसकी दूसरी लाइन है चला चलम इदम, इसमें से आपको संधि पूछी जाए तो चल प्लस अचलम, चल प्लस अचलम प्लस इदम, चलम तो चल प्लस अचलम प्लस इदम। पहले आपको चला चल इतना पूछा जाए तो आपको चल प्लस अचल करना है, और चला चलम इदम तो चल प्लस अचलम प्लस इदम करना है। कीर्ति रेव, मोस्ट टाइम पे रहेगी मेरे नज़रिए से कीर्ति ही प्लस एव, कीर्ति ही, कीर्ति लिख के उसके बाजू में विसर्ग करना है, दो डॉट्स ऊपर नीचे। तो विसर्ग के बाद यदि ये आता है तो विसर्ग संधि के नियम के हिसाब से विसर्ग का र हो जाता है और ए है उसके ऊपर मिल जाता है, तो कीर्ति
ही का हो गया कीर्ति र, और ए का हो गया र के ऊपर मात्रा, तो इस प्रकार हो गया कीर्ति रेव। तो इस प्रकार दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और टेक्सुअल क्वेश्चन भी इसमें से आपको कभी कभार पूछा जाता है कि चला चले संसार किम निश्चलम, ये जो अनस्टेबल जो ये ऑल वर्ल्ड है उसमें निश्चित क्या है, कौन सी बात है वह चलित नहीं होती, तो कीर्ति ही निश्चलम। आपको टेक्स्ट में भी ये दिया गया है तो ये याद रखना है कि कीर्ति ही निश्चलम। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा श्लोक, आइए बात करते हैं अगले श्लोक की। श्लोक नंबर 3, मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, नीचाः कलहम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवः। तो मक्षिका हाउस फील्स जो होती है दोस्तों, ये क्या चाहती है, तो वह हमें वाउंड यानी कि जख्म देना चाहती है। मक्खी जो होती है हमें डंक मारना चाहती है, कि मक्षिका डिजायर वाउंड्स, हाउस फील डिजायर वाउंड्स। और जो पार्थिवा धनम इच्छन्ति कहा गया है, जो पार्थिव होता है, जो राजा होता है, पार्थिव का मतलब होता है राजा, तो राजा जो होता है वो क्या चाहता है, तो आप तो जानते ही है कि राजा की तो कई सारी जिम्मेदारी होती है, तो यदि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होता है तो उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो राजा होता है वह पैसों की आवश्यकता रखता है, धन चाहता है, इसलिए कहा गया कि धनम इच्छन्ति पार्थिवाः। आगे कहा गया कि नीचा कलहम इच्छन्ति, जो विकेट पर्सन होता है, जो विकेट पीपल होता है, वह क्या, वह किसी और के साथ बस झगड़ा करना ही चाहता है, किसी के साथ कैसे भी करके वह सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करना चाहता है। तो इसके बारे में दोस्तों कहा गया है, और कहते हैं कि शांतिम इच्छन्ति साधव, जो गुड पीपल होते हैं वह हमेशा के लिए हर जगह शांति बनी रहे ऐसा चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि गुड पीपल जो होते हैं वह शांति चाहते, साधव शांति इच्छन्ति। ये देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, हाउस फील डिजायर वाउंड, किंग डिजायर वेल्थ, द विकेट डिजायर क्यूरल, और कॉन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पेस। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। तो इसकी ग्रामर की बात करें तो ग्रामर इसका इस प्रकार है, अब देखिए मक्षिकाः, तो मक्षिका जो है वह आकारांत वाचक स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति का आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन, जैसे कि नाइन्थ में आप पढ़कर आए हैं कि लता का लताः होता है प्रथमा बहुवचन, वैसे ही मक्षिका का मक्षिकाः होता है। दूसरा है दोस्तों पार्थिव, तो पार्थिव का पार्थिवाः, उसी प्रकार नीच का नीचाः। तो ये दोनों जो रूप है दोस्तों वह रामः रामो रामः, जैसे राम का रामः हुआ वैसे पार्थिव का पार्थिवाः, और नीच का हो गया नीचाः। तो ये भी दोस्तों अकारात पुरलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के प्रत्यय है, पहला जो है वह आकारांत स्त्रीलिंग का है, दूसरा और तीसरा है वह अकारांत पुरलिंग का है। आगे बात करें साधव, तो साधव, तो साधु साधु और साधव, तो ये भी दोस्तों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, मगर यहाँ कारांत है वह बदल जाएगा, कारांत में आएगा उकारांत पुरलिंग। तो इस प्रकार ये सारे प्रथमा विभक्ति बहुवचन के प्रत्यय आपके सामने है। और बात करें दोस्तों ग्रामर की, तो अब देखिए कि व्रणम इच्छन्ति, व्रणम प्लस इच्छन्ति, धनम प्लस इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति, कलहम प्लस इच्छन्ति, कलहम इच्छन्ति, शांति प्लस इच्छन्ति हो गया शांति इच्छन्ति, और साथ साथ में देखिए तो यहाँ इच्छन्ति इच्छन्ति इच्छन्ति, तो आप देख सकते हैं अंति प्रत्यय लगाया है, तो अभी आप प्रेजेंट टेंस तो पढ़कर आए हैं, तो ये सारे जो रूप है वह प्रेजेंट टेंस परस्मै पदी में अन्य पुरुष के बहुवचन के प्रत्यय है। अब आप आसानी से एक बात कह सकते हैं,
तो ये भी प्रेजेंट टेंस हमारे एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें श्लोक नंबर 4 के बारे में, जो इस प्रकार है, गावो गंधेन पश्यन्ति वेदेहे पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारहे पश्यन्ति राजानः चक्षुभ्याम इतरे जनाः। तो यहाँ दोस्तों बताया गया कि गावो गंधेन पश्यन्ति, गाव यानी कि जो काव होती है वह अपनी आय के जरिए देख सकती है। तो यहाँ बताया गया कि वो गावो गंधेन पश्यन्ति, गंध के माध्यम से स्मेल के हिसाब से वह देख सकती है। वैसे ही कहते हैं कि वेदे ही पश्यन्ति ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण होता है उसके पास यदि हम कोई समस्या का समाधान पाने के लिए, कोई निष्कर्ष के लिए जब जाते हैं तो वो उसका जो वेद ज्ञान है उस वेद ज्ञान के हिसाब से वो हमें बताता है। तो कहते हैं कि वेदे ही पश्यन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मण वेद के हिसाब से देखता है। आगे कहता है कि चारे ही पश्यन्ति राजाना, जो राजा होता है वह अपने चार्जर यानी कि जासूस जासूस के माध्यम से देख सकता है। दोस्तों ये जो जासूस होते हैं उसे राजा की तीसरी आंख भी कहते हैं। अब देखें कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो इतने सक्सेस बने, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उसका जो अष्ट प्रधान मंडल था वो उसे बहुत ही वफादार था, और इसका ही बेनिफिट शिवाजी महाराज को भी मिला। तो जितने हमारे जासूस, जितने हमारे जासूस वफादार होंगे वैसे ही हम सक्सेस पा सकेंगे। तो कहते हैं कि चारे ही पश्यन्ति राजानः, और आगे कहा गया कि चक्षुभ्याम इतरे जनाः। इतरे जना यानी कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं हमारी तुम्हारी तरह, तो वो क्या कहाँ से, कहते कि चक्षुभ्याम इतरे जना, सामान्य जो जन होते हैं नॉर्मल पीपल, तो वह अपनी आय के माध्यम से, उसकी जो दो आंखें होती है उसके माध्यम से वो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। काव सी अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल, ब्राह्मिन सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास, किंग सी थ्रो देयर स्पाइस, कॉमन पीपल सी विथ देयर आइज। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके ग्रामर की, तो यहाँ दोस्तों आप देखिए गंधे न, इसके बाद वेदे हे चारे हे, तो ये सारे जो बातें हैं दोस्तों, तो गंध का गंधेन, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, वेद का वेदे हे, तो ये भी हो गया तृतीया विभक्ति बहुवचन, चारे हे ये भी हो गया तृतीया बहुवचन। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अभी मैंने होमवर्क में आपको विभक्ति का टेबल भी एक बार दिया था, आपको वो लेकर बैठना है हमारे रिवीजन में। रिवीजन नंबर 2 और 3 आपको याद रखना है, जो टेक्स्ट बुक में रिवीजन 2 और 3 दिया गया है उसको आप लेके बैठेंगे तो आपको ग्रामर में पता चलेगा कि ये तृतीया विभक्ति है, ये चौथी विभक्ति है, तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ये सारी बात आज के हमारे वीडियो लेक्चर में, आज हम 4 श्लोक तक रखते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम आगे बात करेंगे। साथ में आशा रखता हूँ कि आप सभी को अब जो ट्रांसलेशन भी मैंने आपको इसी वीडियो में साथ में दिया है तो आप लिख लेना, ताकि एग्ज़ाम के वक्त में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। बस।